बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं शाही टुकड़े। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पतीला ले लिया है और उसके अंदर हम तकरीबन एक कप पानी डालेंगे। ये 125 ग्राम का एक कप है और आधा कप चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है और इसको जब तक चलाते रहें जब तक इसमें उबाल ना जाए। हमारा उबाल, पहला उबाल आ गया है। अब इसको चलाते रहेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और ये हमारी चाशनी तैयार होने वाली है। और इसको चलाते रहेंगे, इसको बनने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं। और अब हमारी चाशनी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे चाशनी हमने निकाल ली है। अब एक और पतीला लेंगे और इसमें एक कप दूध ऐड करेंगे। एक कप दूध और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। हमें इसको चलाते रहना है अच्छे से। और इसमें पहला उबाल आ गया है और हमें इसको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से चलाना है। और इसमें यहाँ पर दूसरा उबाल भी आ चुका है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है और इसे चलाते रहना है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें कटे हुए बादाम ऐड करेंगे और कटे हुए काजू भी ऐड करेंगे इसमें हम चॉप्ड हुए। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है, बैटर हमारा गाढ़ा ही होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप। अब हम इसमें 1 कप कॉन्डेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, इसको साइड कर देंगे। और 5 ब्रेड लेंगे, उनके कॉर्नर्स हमने कट कर लिए हैं और उनको इस शेप में काट लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। आप घी या मक्खन वगैरह भी ले सकते हैं। और इन ब्रेड को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सभी ब्रेड को अच्छे से तवे पर रख देंगे और इनको दोनों तरफ से अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे तरीके से हमें इनको फ्राई कर लेना है। ज़्यादा ड्राई डार्क फ्राई नहीं करना है, ओनली लाइट फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए तो इन्हें अब हमें तवे से बाहर निकाल लेना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारे ब्रेड बनके रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। सभी ब्रेड को हम अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और ब्रेड हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब जो हमने चाशनी तैयार की थी उस चाशनी में सभी ब्रेड्स को अच्छे से डिप करेंगे और अपने सर्विंग बाउल में रखते रहेंगे एक एक करके। देखिए इस तरह से अच्छे से इसको डिप करना है और फिर अपने सर्विंग बाउल में रख देना है। एक एक करके सभी ब्रेड को हम चाशनी में भिगोते रहेंगे और बाउल में रखते रहेंगे। सभी ब्रेड्स हमने चाशनी में रख दिए हैं। अब हम
इसके ऊपर जो हमने बैटर तैयार किया था वो सर्व करेंगे। देखिए इस तरह से हमें सभी ब्रेड्स के ऊपर बैटर सर्व करना है और हमने सारा बैटर सर्व कर दिया है। अब हम इसके ऊपर चॉप्ड बादाम स्प्रिंकल करेंगे जो हमने चॉप करके रख लिए थे, और उसी के साथ हम इसके ऊपर चॉप्ड काजू भी सर्व करेंगे। और इसी के साथ ही हमारी रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।